हेलो गाइस, आज हम फिर एक बार आर्टिकल्स की बात करेंगे और आर्टिकल 15 हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री इंडिया स्टेट्स दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और इसके कुछ प्रोविजंस हैं। नंबर फर्स्ट आर्टिकल 15(1) है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, सेक्स के लिए 15(1) है। और आर्टिकल 15(2) बोलता है, says no person shall be subject to any disability, liability, restriction or restriction on the grounds only of religion, race, caste or sex or place of birth with regard to access to shops, restaurants, hotels, etc. किसी भी शख्स को हम नहीं रोक सकते हैं कहीं वो होटल पे जाए या किसी पार्क में जाए या किसी भी रेस्टोरेंट में जाए या शॉप पे जाए, जहाँ भी शॉपिंग मॉल में जाए, ऑन द बेस ऑफ उनकी उसकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है या वो दिखता कैसा है, उसका सेक्स क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का है। और आर्टिकल 15(3) बोलता है, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, दस मेकिंग एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन आर चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन के फेवर में थोड़ा स्टेट को ये पावर दिए गए हैं कि वो वुमेन और बच्चों और औरतों के लिए कुछ प्रोविजंस बना सकती है। आर्टिकल 15 एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और एसटीज एंड एससीज। अगर आर्टिकल 15(4) जो है उसके माध्यम से स्टेट को ये पावर होता है कि वो जो बैकवर्ड क्लासेस के होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर और शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट होते हैं, उनके लिए कोई प्रोविजन बना सकता है। आर्टिकल 15(5) बोलता है, एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और एसटीज एंड एससीज रिगार्डिंग देयर एडमिशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। और स्टेट को ये पावर दिया गया है कि आर्टिकल 15(5) में कि आप जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या एसटीज एससीज हैं, उनको आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए आप उनके लिए कोई भी प्रावधान बना सकते हैं, मतलब कोई भी कानून आप उनके हक में बना सकते हैं। और ये प्रोविजन 2005 में ऐड हुआ था और ये 93 अमेंडमेंट के तहत हुआ था। सेंट्रल इनेक्टेड द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन एंड एडमिशन रिजर्वेशन के तहत 2006 में फॉर 93rd एंड प्रोवाइडिंग 27% कोटा टू OBCs। और इसी में 27% कोटा जो रखा गया था OBCs के लिए। थैंक यू।